अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या स्टोरी है आज की? बीटीसी की स्टोरी बड़ी ही अच्छी गई है। कुछ सर लंबी कैंडल्स बनी है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जो 28,000 से ये स्टार्ट किया है इसने पंप होना, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंडल नहीं है। लेकिन असल पंप जो हुआ है वो हुआ है 29,800 से, ठीक है ना? ये जो पंप हुआ है स्टार्ट होके और ये जाके इसने यहाँ पे 30,800, 31 होता तो थोड़ा सा अच्छा होता, लेकिन अभी फिलहाल इसने जो शॉर्ट्स हैं उन सबको लिक्विडेट कर दिया है ठीक ठाक तरीके से। और जो के बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो के 75 और 50 और कोई फर्स्ट एड होके कोई रिवेंज ट्रेड करके शॉर्ट कर देता है के 1 to 5x पे। देखिए, मैं हमेशा एक बात याद रखें, मैं आपको आज ट्रेडिंग की एक बड़ी अच्छी ट्रिक बता देता हूँ। जब कभी आप मिस कर जाए ना, जैसे यहाँ से मैंने भी बड़ी सुकून से दिया, क्योंकि मुझे मुझे जो एरिया हमेशा लगता था वो आपका अल्लाह भला करे आप आ जाए 28,000। मुझे लगता था कि यहाँ से एक लंबी कैंडल शॉर्ट होने की जाएगी, शॉर्ट की तरफ जाएगी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि वॉल्यूम इसके पीछे स्ट्रॉन्ग आता जा रहा है और कैंडल्स स्टेबल हो रही है, ठीक है ना, विक्स नहीं बन रही है, तो फिर मैंने यहाँ से 28,200 से जहाँ पे था शॉर्ट, मैंने कहा 500 पे होगा तो देखते हैं आगे जाके। ये देखें, मैंने यहाँ से ट्रेड उठा लिया आपका अल्लाह भला करे BTC लॉन्ग की, ठीक हो गया। तो मैं आपको आगे खैर बता रहा था कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। अभी करंट सिचुएशन ये है कि 31 या 32 पे जाने के लिए इसको पहले तो यहाँ पे आके 30,000 पे स्टेबिलिटी दिखानी है। और अभी इस तरह से अगर आप बाइनेंस के पे भी जाके चार्ट देखेंगे तो साइडवेज मार्केट शुरू हो गई है बनना। साइडवेज मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे बनना शुरू हो गई है लॉन्ग टर्म पे। अच्छा, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, मैं आपको हमेशा कहता हूँ 1 आवर, ठीक है ना, 1 आवर का नहीं, आप आ गए 1 डे का। 1 डे का चार्ट आपने देखना ही देखना है। 1 डे देख रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? मैं नहीं, आप बताएं क्या नजर आ रहा है? सिंपल, यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम नजर आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको एक हैमर लगाए और अगर ये कैंडल आज के दिन में वापस 30,800 या 30,500 तक भी क्लोज होती है तो आगे आप 31,000 तक जाता हुआ बिटकॉइन को जरूर देखेंगे, ठीक है ना। अनटिल अनलेस कि अभी अगर हो सकता है कि ये हैमर लग जाए और ये आके एकदम ही 28,900 पे आ जाए, इस तरह से आ जाए, हो सकता है। अभी टाइम है कैंडल को क्लोज होने में, तो 1 डे का चार्ट जरूर देखा करें, इसमें आपको अपनी ट्रेड मैनेज करने ही बहुत ज़्यादा आएगी। अगर इसी तरह से जैसे कि आप मुझसे पूछे थे कि हाँ भाई मैं अब अपनी बताऊँ, ये देखें मेरी एंट्री प्राइस दे देखें 28,200। मैंने 25x से लॉन्ग किया था क्योंकि मैं सर्टन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मैनिपुलेशन बढ़ सकती है, एकदम बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा और BTC धड़ाम करके नीचे आ जाए। तो मैंने टू बी अ वेरी सेफ साइड कम पे 240 USDT पे लगा के कम पे मैंने अपना प्रॉफिट गेन किया। ये देखिए, सिर्फ 1 to 2, कौन बोलता है कि प्रॉफिट नहीं बनता? छोटी ट्रेडों से, छोटे लेवरेज से क्यों नहीं प्रॉफिट बनता? देखें, 162% मार्जिन, 348 डॉलर्स का जो है ये है। मैं भी चाहूँ तो अभी आपके सामने ये फ्लैश क्लोज कर लूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगा। अगेन, ये अगर 200 150 पे भी आता तो आई विल मोर देन हैप्पी, लेकिन यहाँ से मैं इसको थोड़ी देर दूंगा। नए ट्रेडर जो भी आप लोग हैं, जो भी भाई आप लोग इसमें भी ट्रेड लेना चाहते हैं अभी, ठीक है ना, हमेशा ये देखें
अगर आपने ट्रेड लेनी है, और जैसे ये कैंडल बढ़ भी सकता है नीचे। देखिए अभी एक मिनट, आपको 4 आवर्स का भी कैंडल देखना चाहिए। 4 आवर्स का देखें, बड़ा सा हैमर लग गया है, डाउन पे ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन खतरा मेरे ख्याल से अभी नहीं जाएगा। खैर, अगर इन शॉर्ट अगर आपको छोटी ट्रेड लगानी है, ठीक है ना, तो इसको इंतज़ार करें, यहाँ पे आ जाए, 29,600 पे आ जाए, ठीक है, या 29,732 पे आ जाए, यहाँ से आप एक लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, विथ टाइट स्टॉप लॉस, ठीक है ना, क्योंकि जो काम होना था वो तो आज हो गया है, शॉर्ट्स को लिक्विडेट हो गया है, अब मार्केट स्टिल डाउन चली जाए तो वो भी एक मार्केट का एस्पेक्ट है, दोनों साइड हो सकता है। पर हमेशा कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड ना करें, मेरा हमेशा से ये कहना है कि ट्रेड हमेशा सुकून से और तसल्ली के साथ की जाती है। अगर आप इसका डायल भी देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय का मेरे से तो मतलब है कि हाँ, ये सब अगर स्ट्रॉन्ग बाय देख के और बाइंग लगा देंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल कर दें, इसका उल्टा कर दें, अगेंस्ट द विंड अगर आप करेंगे तो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। मार्केट की कन्फर्मेशन होनी चाहिए, उस कन्फर्मेशन को देखें और फिर जाके ट्रेड लें। तो अभी तक के लिए BTC का यही है, इसको 30,000 पे स्टेबल होना बिल्कुल ज़रूरी है, मेरे हिसाब से इसको 30,000 पे बिल्कुल होना, स्टेबल होना ज़रूरी है, वरना जो है ना आगे गेम में मज़ा नहीं आएगा। और देखें आगे क्या होता है, क्योंकि मैनिपुलेशन है, लॉन्ग लिक्विडेट शॉर्ट लिक्विडेट हो गए, तो अब नेक्स्ट वाली लॉन्ग्स की भी है, लेकिन एक जूसी 31,000 तक मुझे BTC लगता है कि आराम से चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वाइट सरप्राइजिंग है, 28, 27, 28 इसने दोनों को करने के बाद 30,000 तक पहुंचा है, तो एक अच्छा अभी तक की तो जो वन डे की भी कैंडल देख रहे हैं ज़रा बुलिश ही जा रही है, लेकिन आगे जाके इसको बड़ा केयरफुली आपने वॉच करना होगा। हमेशा याद रखें कि जो सबसे पहले रिकवरी कर रहा होता है वो 3 कॉइन होते हैं, BTC, इथेरियम और BNB। इसके अलावा जो टटपुंजीय कॉइन होंगे वो भी आपको कोई ख़ास अल्ट कॉइन्स इतना मूव करते हुए नज़र नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने अपनी ट्रेड BTC में आजकल लगा रहा हूँ। जल्दी क्विक रिकवरी, आपने ली, आप निकल गए, ख़त्म, खलास। तो ये सारा है हिसाब किताब, आप लोग भी बड़ा सेफली तौर पे चलें। तो आज तक की वीडियो के यही है, अपना ख्याल रखिएगा, अगर कंटेंट समझ में आए तो लाइक शेयर करिएगा। अगर आप मेरी ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि 2,000 और अब माशाल्लाह 350, 2,300-2,400 प्रॉफिट में विद इन अ वीक बना चुका हूँ। ये वीक अभी हमारा 300 से, इस वीक में मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं ली है, ठीक है ना, एक दो ट्रेड ऑल और थोड़ी सी हैवी लूँगा उसके बाद दैट से। तो $100 हैं आपके, तो पहले 1,000 बने, 1,000 से फिर 3,000 का चैलेंज, इस तरह से आप लेके चलें, पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करें। ये नहीं करें कि जो 1 रुपये से 1 मिलियन बना रहे हैं ये फेक हैं, ये झूठे हैं, इन बगैरत और इन नालती यूट्यूबर से दूर रहें, भले वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो या गोरा साहब हो, ठीक है, इन सबसे दूर रहें, अपने प्रोफाइल को मैनेजमेंट को अच्छा करें और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।